हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। ये है चैप्टर 1.2 इवेंट क्वेस्ट का सेकंड अकाउंट से शुरू करता है। यहाँ पे हमें टेक टीम लेके जानी है जो कि हील ब्लॉक कर सके। अगर आपके पास हील ब्लॉकर नहीं है, आपको आर्मर ब्रेक करना है। आर्मर ब्रेक करने के बाद में डिफेंडर का हील ब्लॉक हो जाएगा और आपको फ्यूरीज मिलना शुरू हो जाएगी। मोटी मोटी बात यह है कि आपको डिफेंडर्स का हील ब्लॉक करना है। अगर हील ब्लॉक करोगे तो ही आपको फ्यूरीज मिलेंगी। और गाइज, बॉस पे क्या नोड है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, ऑटो ब्लॉक करता है, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे अगर आप सेम स्पेशल यूज करते हो बार बार तो ये स्टन इम्यून भी हो जाएगा 7 सेकंड के लिए। और अगर आप इसको 4 बारी पहरी करते हो तो आपको इसको आपको 7 सेकंड के लिए फॉल्टर मिलेगा, वो भी ध्यान में रखना है। अगर आपको फॉल्टर के 4 बारी पहरी करोगे तो 4 फॉल्टर के 4 जाएंगे आप पे। वो चार्ज हटाने के लिए आपको इसके ब्लॉक पे हिट करना होगा। अगर ब्लॉक पे हिट नहीं करोगे, 5वां पैरी जैसे ही करोगे, आपको 7 सेकंड के लिए फॉल्टर मिल जाएगा। बायो हजार्ड मतलब आप इसके ब्लीड, मतलब अगर आप इसको मारते जाओगे तो आपको ब्लीड भी लगेगा, और अगर इसके ब्लॉक पे हिट करते हो तो आपको पॉइजन लगेगा। और व्हेनेवर द अटैकर मिसेज अगेन पावर थेफ, ओके ये पता नहीं क्या है। ओके फाइन, मैं इसके लिए यहाँ पे निमरॉड लेके आया हूँ, क्योंकि निमरॉड और वॉरलॉक जो है वो ब्लीड और पॉइजन इम्यून है। वॉरलॉक देखो हील ब्लॉकर है, हल्क बस्टर आर्मर ब्रेक करता है, और लेडी डेथ स्ट्राइक जो है वो यहाँ पे हील ब्लॉक करती है। अब यहाँ पे जो पाथ लेने वाला हूँ वो आयरन पेट्रॉइट वाला होने वाला है। आयरन पेट्रॉइट ही नाम है ना इसका, ये वाला पाथ होने वाला है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हील ब्लॉक पे फोकस करना है। अगर हील ब्लॉकर नहीं है आपके पास तो आर्मर ब्रेक पे फोकस करना है, ठीक है। ओके, स्ट्राइकर यूज करना है। इस वाले पाथ पे आपको स्ट्राइकर यूज करना पड़ेगा। इस वाले पाथ पे क्या है, जब भी आप डैश बैक करोगे इसको रीजनरेशन मिलेगा। ओके, बैक टू बैक अगर डैश बैक करोगे तो इसको रीजनरेशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको हील ब्लॉकर करना है, सिंपल सी बात यही है। अब देखो, वॉरलॉक अगर मैं 7 स्टार का लेके जाता हूँ तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसका इसका डैमेज भी हाई है और ऊपर से ये हील ब्लॉकर भी है, साथ ही साथ ये आर्मर ब्रेक भी करता है। और साथ ही साथ अगर कोई हील ब्लॉक रहते रहते इन्फेक्शन रहते रहते रीजन करेगा तो ये सारा पावर ड्रेन भी करता है। तो वॉरलॉक इसलिए एक बहुत ही बेस्ट चैम्प हो जाता है हमेशा, क्योंकि इसके पास एबिलिटीज बहुत सारी हैं। दैट्स व्हाई अबे चलना। ओके देखो, फ्यूरीज मिलना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे बस वेट करना है। 4-5 फ्यूरी तो हो ही गई। चलो, 7 फ्यूरी पे हमने ठोका है इसको, एंड गेम ओवर है इसका। ये फाइट हो चुकी है, खत्म। चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे। फाइट है ओल्ड मैन लोगन के साथ में। एक चीज है ओल्ड मैन लोगन की, देखो ये रीजन तो करता ही है हमें पता है, लेकिन इसके स्पेशल्स जो होते हैं वो अनब्लॉकेबल होते हैं, हमें उस चीज का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। जैसे अभी इसे स्पेशल वन स्पैम किया था, देख रहे हो। अब हमें क्या करना है कि बस हमें फ्यूरीज आने का वेट करना है, देन उसके बाद में हम इसको स्पेशल 2 तगड़ा तगड़ा मार सकते हैं आराम से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे पास 6 फ्यूरीज हैं, 6 फ्यूरीज पे हम स्पेशल 3 मार रहे हैं, एंड इसका वैसे ही पावर ड्रेन होने लगा है। अभी हमारे पास 9 फ्यूरीज हो चुकी है, नाइस। ओके डन, चलो ये फाइट भी डन हो गई, और 100% मैंने रीजन भी कर लिया वापस से। अगर आप नोड के हिसाब से अपनी टीम लेके आते हो तो ये थ्रोन ब्रेकर डिफिकल्टी बहुत ही ज़्यादा इजी बन जाती है, इसलिए हमेशा नोड के हिसाब से टीम लेके आनी चाहिए। चाहे वॉर हो, चाहे बैटल ग्राउंड हो, चाहे इवेंट क्वेस्ट हो, या चाहे एक्ट हो, हमेशा वॉर हमेशा फाइट जो होनी चाहिए वो नोड के हिसाब से होनी चाहिए, बेस्ट काउंटर होने चाहिए। और अगर आपके पास काउंटर नहीं है तो उसका अल्टरनेट होना चाहिए। अगर अल्टरनेट नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं, फिर तो आपको पता है भाई खराब होगी फाइट, उसकी कोई बात नहीं है। बट पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि काउंटर हमेशा अपने पास होना चाहिए। ये हमारा, हमने स्पेशल अटैक अगेन एक और, एंड 19% पे हम इसे पहुंचा चुके हैं, एंड इसका शील्ड वापस। ओके, शील्ड आने से पहले ही हमने ठोक दिया इसको। फाइट है ब्लैक पैंथर के साथ में। ये फाइट में दिक्कत आएगी, क्योंकि जब भी ये आर्मर अप होगा तो आप इसको पैरी नहीं कर पाओगे। अगर पैरी किया तो वो स्टन को है रिफ्लेक्ट कर देगा और आप ही स्टन हो जाओगे। भाई साहब, ये काफी हाई डैमेज प्रोवाइड नहीं कर दिया इसने कुछ। अब मैं इसको पैरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आर्मर अप है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका आर्मर ब्रेक ही कर देते हैं ना 2, एंड 71% पे आ चुका है ये बंदा। ओके, दिक्कत ही नहीं भाई, अपने पास 8 फ्यूरी है ऑलरेडी, एंड मुझे लगता है मर गया ये। बढ़िया, नेक्स्ट फाइट पे चलें।
ये फाइट है गोस्ट राइडर से। ये फाइट बहुत ही ज्यादा सिंपल फाइट है, बहुत इजी फाइट है। इसके बाद जो फाइट आने वाली है वो होने वाली है कॉर के साथ में। अब वहां पे थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको पहले रॉक शील्ड तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको मार सकते हो। बाकी लेट्स होप कि हम इजीली कर पाए वो भी। एंड इसको हमने इन्फेक्शन तो लगा दिया है, अब यहाँ पे अपने फ्यूरीज आने का वेट करते हैं। अपने पास 3 फ्यूरी तो आ चुकी है, 5, 6। ये मारा हमने स्पेशल 2 एंड आई थिंक मरा नहीं वैसे। ओके ये अब मर गया, चलो डेड। अब हमारी कॉर्ग वाली फाइट है वो मुश्किल होने वाली है। 3.5 लाख की हेल्थ है भाई, ये फाइट होने वाली है मुश्किल। देखो गाइज, मैं करने को ना दूसरे चैंपियन से भी फाइट्स कर सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा कि टाइम लगेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार छोटे से छोटा एपिसोड बनाना, आप लोगों का टाइम वेस्ट भी नहीं करना है ना ही खुद का टाइम वेस्ट करना है। That's why. वरना खेलने को तो हम दूसरे से भी खेल सकते हैं। अभी हमारे पास एक ही फ्यूरी आई है, तो इसलिए अभी स्पेशल 2 मार के कोई फायदा नहीं होगा। ओके ये दिया हमने डैमेज, डैमेज कम मिला इसको, ठीक है 46% पे है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट अटैक करना है आपको, इसका शील्ड हटाना है तो लाइट अटैक करना है। मैं तो बोलता हूँ बेस्ट काउंटर इसका बिशप है, स्ट्रॉन्ग है। ओके अरे नहीं, प्यूरीफाई कर रहा है यार बार बार। ओके अरे नहीं यार अनब्लॉक। देखो ये बोला था ना, ये फाइट जो है वो थोड़ी मुश्किल तो होने ही वाली है। प्यूरीफाई एक बार शील्ड तोड़ दूं ना इसका, उसके बाद इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे मीडियम यूज नहीं कर सकता क्योंकि दिक्कत आएगी फिर। ओके अभी भी 3 रॉक शील्ड है इसके। ओके स्पेशल 3 यूज कर लेता हूँ भाई, गलत मैंने यहाँ पे रैलिक यूज कर लिया, बट एनीवे आई थिंक डेड है अब, क्योंकि जब रॉक शील्ड हटती है ये प्यूरीफाई नहीं कर पाता है। 2 के चैप्टर के बॉस के साथ में, मोडॉक के साथ में। अब देखो यहाँ पे क्या है कि बायो हैजार्ड है, मतलब आप ब्लॉक और आपको ब्लॉक पे अगर मारोगे तो पॉइजन लगेगा, अगर इसको मारते जाओगे डायरेक्ट भी तो भी आपको ब्लीड लगेगा। तो ब्लीड और पॉइजन इम्यून चैंप यहाँ पे चाहिए ही चाहिए आपको। और साथ ही साथ ये ऑटो ब्लॉक भी करता है, इवेड भी कर सकता, इवेड तो वैसे करता नहीं है, ये ऑटो ब्लॉक करता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप 5 बारी लगातार इसको पैरी नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको इसके ब्लॉक पे भी हिट करना है बार बार। बट एनीवे कोई नहीं, हम देख लेते हैं कैसे टैकल करना है। निमरॉड में इसलिए लाया हूं क्योंकि निमरॉड एक डैमेज ओवर टाइम देता है, दैट्स व्हाई। हमको आर्मर अप करने हैं अपने। देखो 2 चार्ज आ चुके हैं मेरे पे, जैसे ही ये 4 चार्ज हो जाएंगे अब मेरे को यार इसके ब्लॉक पे हिट करना पड़े चाहिए। ओके चार्ज हट गए, ओके नाइस, ठीक है अपने चार्ज हटा दिया हमने। ओके ओके स्पेशल 2 बनने का वेट कर रहा हूं मैं। ओके यहां पे फॉल्टर के चार्ज सारे हटा लिए हमने। ओके वेट, मेरे को फेज अपना चेंज करना पड़ेगा, देन हम इसको मार सकते हैं। ये दे दिया हमने स्पेशल अटैक इसको, स्पेशल 2, एंड ये पहुंच चुका है 40% पे, ठीक है 40 से भी कम, 24-23। ये मत भूलो कि हमारे ऊपर 3 फॉल्टर के चार्ज है। अरे शिट पिट गया, बट आई थिंक ये डेड हो चुका है अब। अरे नहीं मेरे को अपना फेस चेंज करना था। ओके ऐसे ही मर जाएगा, ऐसे एक हैवी फेंक देता हूँ इसको। ओह मुझे लगा था मर जाएगा बट कोई नहीं, अब खत्म है। चलो यहाँ पे हमने बहुत आसानी से बहुत सोच समझ के हमने मोडॉक को भी किल कर दिया, और इसी के साथ में चैप्टर 1.2 भी हमने आसानी से कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, लाइक कमेंट जरूर किया करो, अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ, बाकी आपके भाई का काम है वीडियोस लाना। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, अपना ख्याल रखो, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।